जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद क्षेत्र के गांव औरंगापुर बसंता के लोकेंद्र पिछले कई सालों से इस झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं। लोकेंद्र के छोटे छोटे दो बच्चे हैं जिन्हें रात के अंधेरे में डर लगता है। लोकेंद्र के पास अगर 20,000 रुपये होते तो वह शायद अपने बच्चों को एक सरकारी आवास की छत दिला सकता था, लेकिन मजबूरी इंसान को कब कहां लाकर खड़ा कर दे ये कहा नहीं जा सकता। लोकेंद्र का प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 बार जांच तो आई, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत के चलते लिस्ट में नाम नहीं आ सका। तो यहाँ पे इंक्वायरी करने आए हैं? वो हमारे घर पे तो आया था, लेकिन जो बनवाने के लिए मना कर गया। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टली मना कर दिया कि उसके मकान डायरेक्टली मना कर दिया। अभी भी पीछे बात की थी मैंने कि मतलब मकान बनवा दो, बोला साइड बंद है, तेरा मकान तो बनेगा नहीं, 20,000 रुपए ही मांग रहा है। मांगते हैं, इससे पहले नहीं आएगा मकान, इससे पहले नहीं आएगा। लेकिन सर अगर मेरे पास 20,000 रुपए होते तो मैं इसमें छप्पर में थोड़ी ना रहता, मैं तो एक टीन साइड डाल के रह लेता। जी जी, मेरे पास तो पैसों की व्यवस्था नहीं है। अब क्या चाहते हो? हम ही चाहते हैं कि सरकार आए, किसी भी अधिकारी को, उच्च लेवल अधिकारी को भेजे, जो जांच पड़ताल करके मौके पर जो चीज़ है उसको छानबीन करके जो सही है उसको सही कराए। जी जी, तहसील नजीबाबाद लगती है ना? जी, नजीबाबाद तहसील लगती है। ब्लॉक भी नजीबाबाद? ब्लॉक भी नजीबाबाद है सर। ये गांव कौन सा है? गांव औरंगपुर बसंता है। यहाँ के प्रधान से बात की है? उस प्रधान से बात की थी, लेकिन प्रधान ने भी मना कर दिया क्योंकि उसको भी रिश्वत चाहिए। तो प्रधान भी मतलब नहीं बनवा पा रहा? जी, और पिछले जो प्रधान था उसने रिश्वत मांगी थी, आपका जो प्रधान है उससे कई बार कह दिया, वो प्रधान आता ही नहीं है, वो मना कर देता है कि मुझे आना ही नहीं है, ना ही मैं बनवा रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक। आपका नाम? मेरा नाम रीना देवी है। यहाँ कब से रह रहे हो इस आवास में? सन 2013 से रह रहे हैं। अच्छा, कोई आपका आवास नहीं बना? नहीं। आपके जो ससुराल वाले उन्होंने आपको अलग कर दिया? अलग कर दिया, हाँ, अलग। कब से? 13 से रह रहे। क्या बोला? कह रहा कि आपकी जमीन पड़ी है, आपने बना लो, रह लो। तो इस पे मकान आया है? तो फिर आया है, लेकिन 4 बार जांच आई है, लेकिन सेक्रेटरी और प्रधान ने लौटवा दी। आपने उनसे कहा नहीं कोई रिश्वत वगैरह या फिर कुछ ऐसा चीज? मांग रहे हैं 20,000 रुपए। 20,000 रुपए तो मकान आ जाएगा? 20,000 रुपए कहाँ से दे हम? सेक्रेटरी का नाम क्या है? अजय कुमार शुक्ला। तहसील कौन सी लगती है? नजीबाबाद। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का नाम ऋषि पाल था पहले। और अब कौन है? आप दूसरा है, दीपा। अच्छा, दीपा जी, हाँ, लेडीज है। अच्छा, लेडीज है, इस बार ही बनी है? जी हाँ, इस बार। अच्छा, ये आप ही का मकान आपके पीछे जो है? हमारा, ये इसमें रह रहा है।